वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास इलेवेंथ के बारे में। क्लास इलेवेंथ में हमने देख लिया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं, ठीक है। कुल मिला के हमने भौतिक राशियां देख लिया था, फिर ये भी देख लिया था कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। ये आपकी तीन प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी होती है? मूल भौतिक राशियां। दूसरी आपकी होती हैं कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री राशियां। तीसरी होती हैं आपकी ये डेराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशियां। आज हम लोग देखेंगे कि बीमाएं किसे कहते हैं, बीमा किसे कहते हैं, डायमेंशन क्या है। तो हेडिंग डालिएगा बीमा, हेडिंग डालिएगा बीमा, बीमा या डायमेंशन, डायमेंशंस। इसमें लिखिएगा कि इसमें लिखिएगा किसी भौतिक राशि के मात्रकों को लिखने के लिए मूल मूल राशियों के ऊपर चढ़ाई गई घात को क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं, बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। क्या लिखा हुआ है कि किसी भौतिक राशि के मात्रकों को लिखने के लिए, किसी भौतिक राशि के मात्रकों को लिखने के लिए मूल राशियों के ऊपर जो घात चढ़ाई जाती है, मूल राशियों के ऊपर जो घात चढ़ाई जाती है, बेसिकली वही क्या कहलाती है? आपकी बीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? बीमा कहलाती है। लिखिएगा इंग्लिश में, द पावर यूज्ड टू डिराइव, यू टू डिराइव द पावर यू टू डिराइव द फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशंस। ठीक है, नोट करिए इसे, तो फिर आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जैसे किसी की हमें डायमेंशन लिखना है तो कैसे लिखते हैं। तो जैसे किसी की डायमेंशन लिखना है तो किसी की जो बीमा होती है वो किसके रूप में लिखी जाती है? जो बीमा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, θ की पावर d, a की पावर e, और भी बाकी ऐसे ही ये आपकी क्या की लिखी जाती है? बीमा लिखी जाती है। ठीक है, डायमेंशन यदि आप लिखेंगे तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। क्लियर है? चलिए हटा देते हैं इसे, आपने नोट कर लिया होगा, नोट करने के लिए आपको पर्याप्त समय दिया गया है। ठीक, तो देखिए अब क्या करते हैं कि जैसे हमें किसी की बीमा लिखना है तो ठीक है, एक तरफ आप क्वांटिटी लिखिए, भौतिक राशियां एक तरफ लिखिएगा, सामान्य सूत्र और एक तरफ
लिखिएगा बीमाएं, बीमा, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, जनरल फार्मूला, ठीक है, और ये आपका बीमा, बीमा डायमेंशन, डायमेंशंस, ठीक है। ये आपको तीन भागों में हम लोगों ने बांट लिया, ठीक है। अब देखो कि यहां से हम क्या करते हैं और कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये हम लोग एक चार्ट बना रहे हैं जिसमें हम बहुत सारी भौतिक राशियों के लिखेंगे। तो देखिए, जैसे द्रव्यमान होता है, क्या होता है, पहला नंबर द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि मास, मास को जो सिंबल होता है, यहां पर मैंने सिंबल नहीं लिखा, यहां पर मैं सिंबल लिख देता हूं, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल, प्रदर्शित चिन्ह। तो द्रव्यमान का जो फार्मूला कुछ नहीं होता है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, केजी होता है, और इसका सिंबल द्रव्यमान का कैपिटल एम होता है, और इसको जो बीमा दिखाते हैं वो कैपिटल एम दिखाते हैं, और इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, किधर लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट के अंदर, इसका फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है लेंथ, लंबाई, दूसरा क्या होता है, लंबाई यानी कि लेंथ, लेंथ का भी आपका कोई फार्मूला नहीं होता है, और इसका जो लेंथ जो हम लिखते हैं तो वो कैपिटल एल से दिखाते हैं, और जो लंबाई होती है इसको हम कैपिटल एल इसके अंदर लिख देते हैं, ठीक है। तीसरा होता है समय, तीसरा क्या होता है, समय यानी कि टाइम, और इसको जब लिखते हैं तो इसका जो सिंबल कितना होता है, टी, और इसको कैसे लिखते हैं, कैपिटल टी को ब्रैकेट में, ठीक है, ये समय हो गया। चौथा होता है आपका तापमान, क्या होता है, तापमान यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर, इसको किससे दिखाते हैं, थीटा से, और ये रहा थीटा। इसके बाद आता है विद्युत धारा, क्या आता है, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी जो, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से, और इसकी यदि बीमा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, कैपिटल ए, ए को ब्रैकेट में कर दिया। फिर आपका जो छठा है, अब मान के चलो कि हमें लिखना किसका है, हमें लिखना है आपके, हमें छठा ज्योति तीव्रता, किसको, ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता को क्या कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योति तीव्रता को, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, कैंडेला से, सीडी, और इसको कैसे लिखेंगे, कैंडेला, ठीक है। सातवां क्या होता है आपका, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा क्या कहते हैं, मैटर ऑफ सब्सटेंस, मैटर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसको किससे दिखाते हैं, ये इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल से, ठीक है। इसका जो यह एन से, और इसके कैसे दिखते हैं, मोल से, एन क्या दिख लेंगे, एन लिख देंगे, ठीक है, हो गया। छापो इसे, फिर चलते हैं, छापो छापो, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी अगला क्या है, आठवां नंबर वेग है, वेग को क्या कहते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी का जनरल फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, यही तो होता है,
विस्थापन बटे समय, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके से क्या है, दूरी है, क्या है, दूरी है। तो दूरी का मात्रक एल ऊपर हो गया, ठीक है, डायमेंशन, और समय क्या हो गया, नीचे टी। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ढंग से कितना हो जाएगा, एल टी, एल तो यहीं पर रहा, टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर क्या आ जाएगा, माइनस वन। तो इसको जो है डायरेक्ट ब्रैकेट पे लिख दिया, खत्म। तो ये किसकी बीम हो गई, वेग की, एल टी माइनस वन। इसको वेलोसिटी को किससे दिखाते हैं, वी से, ठीक है। आपका त्वरण मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। एक्सीलरेशन इसको ए से दिखाते हैं, ए बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी है, आपको पता है वेलोसिटी का, अभी अभी निकाले हैं, कितना होता है भाई, देखो जो वेलोसिटी में परिवर्तन आएगा, जो वेलोसिटी में आएगा वो भी तो वेग ही होगा ना, और डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम है। तो यहां से यदि आप देखो तो वेलोसिटी की बीमा क्या होती है, एल टी माइनस वन, क्या होती है, एल टी माइनस वन। और ये जो समय की जो बीमा होती है टी, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस वन, माइनस वन तो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, एल टी माइनस टू, ठीक है। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रहा हो गया, नोट करो। फिर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेस का मतलब थीटा, क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है थीटा, कोण, या कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से बताओ मुझे, चाप भी कैसा है, आर्क कैसा है, आर्क की कुछ लंबाई होगी और नीचे त्रिज्या भी क्या है, लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, मीटर, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यानी कि कोण की आपकी कोई बीमा नहीं होती है, डायमेंशन लेस है, कोई बीमा नहीं, कोई बीमा नहीं, अर्थात डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, ठीक है। इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आपका आता है कोणीय वेग, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इसको किससे दिखाते हैं, ओमेगा से। ओमेगा बराबर क्या होता है, आपका ओमेगा बराबर होता है कोणीय विस्थापन में परिवर्तन, मतलब कि डेल्टा थीटा अपॉन टाइम, ये क्या है, टाइम, ठीक है। वेग बराबर, कोणीय वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो कौन सा विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटे समय। यहां पर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, कोणीय विस्थापन बटे समय, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो यहां से कोणीय विस्थापन की तो आपकी कोई बीमा नहीं है, यानी कि जब कोई बीमा नहीं होती तो पावर जीरो लग जाती ऊपर, तो ये तो वन हो गया, और समय की बीमा कितनी होती है, टी। तो ये जब इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टी माइनस वन, ठीक है। अब आता है आपका बारहवां नंबर, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, क्लियर है, एंगुलर एक्सीलरेशन। इसको जो है किससे दिखाते हैं, अल्फा से, किससे दिखाते हैं मेरे भाई, अल्फा से। अल्फा बराबर क्या होता है, ये चेंज इन,
कोणीय वेग, कोणीय वेग बटे समय आप लिख सकते हो, कोणीय वेग बटे समय। तो देखो कोणीय वेग की विमा कितनी है, t माइनस वन ठीक है बटे, अब आपका समय भी तो है तो समय का t, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा t माइनस टू, ये इसकी विमा हो गई ठीक है। कोणीय त्वरण की विमा कितनी है t माइनस टू, छाप लो इसे। चलिए तो कहां तक पहुंच गए थे, हमें नंबर बेसिकली नहीं पता है, 15-16 हो गए होंगे, जो भी हो गए होंगे, आप अपना नंबर ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, संवेग। संवेग को क्या कहते हैं, मोमेंटम, क्या कहते हैं मोमेंटम। संवेग को हम लोग किससे दिखाते हैं, कैपिटल पी से ठीक है। अब पी बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, क्या होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी P बराबर m इंटू वी, क्या होता है P बराबर m इंटू वी, यहां पर V क्या है वेलोसिटी है, m क्या है द्रव्यमान है ठीक है। द्रव्यमान का डायमेंशन क्या होती है m, अब वेग की डायमेंशन अभी आपने लिखा, क्या लिखा है LT-1। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन क्या है लंबाई, तो L डिवाइडेड बाई अपॉन T, तो T ऊपर चले गए तो कितना हो गया LT-1, तो यहां से ये कितना हो जाएगा LT-1, तो इसकी जो बीमा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी MLT-1, और ये इसको कर दो ब्रैकेट में ठीक है। अब आते हैं किसके, आपकी फोर्स की बीमा, किसकी जो है बल की, ये 13 नंबर रहा होगा 13, 14 नंबर आपका क्या है बल है, बल यानी कि फोर्स। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर, बल को किससे दिखाते हैं एफ से, बल बराबर क्या होता है एफ बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि ये होता है एफ बराबर एम इंटू ए, जहां पर ए क्या है त्वरण है, तो द्रव्यमान की बीमा कितनी होती है एम, त्वरण की बीमा अभी आपने निकाला था वेग परिवर्तन बटे समय, तो वेग की बीमा क्या होती है एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी, तो टी ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाता था एल टी माइनस टू, तो यहां से इसकी जो बीमा आ जाएगी कितनी एम एल टी माइनस टू। तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है कि बल की बीमा क्या होती है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, एम किसके लिए द्रव्यमान के लिए है, एल किसके लिए लंबाई के लिए है, और T की पावर जो माइनस टू है वो T क्या है समय के लिए ठीक है। अब आपका 15 नंबर है आवेग, क्या बोलते हैं आवेग ठीक है, क्या है ये आवेग, आवेग को क्या कहते हैं इंपल्स, क्या कहते हैं इंपल्स, इसको जो है कैपिटल आई से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं हम कैपिटल आई से। आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर होता है आपका बल गुणे समय, क्या होता है बल गुणे समय, यानी कि आई बराबर होता है एफ इंटू टाइम टी टाइम। तो ये एफ, एफ की बल की बीमा क्या आई है एम एल टी माइनस टू, तो और टाइम का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया एम एल टी माइनस टू और इंटू टाइम, तो ये आपका हो जाएगा कितना क्लियरली आ जाएगा एम एल, ये टी का पावर प्लस का वन है ये माइनस का टू है, तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा टी माइनस वन एम एल टी माइनस वन ठीक है। अब आपका आ रहा है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग बराबर क्या होता है एम बी आर, क्या होता है एम बी आर कोणीय संवेग, कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इसको किससे दिखाते हैं कैपिटल जे से, किससे दिखाते हैं कैपिटल जे से, जे बराबर होता है आपका एम वी आर, एम वी आर, एम क्या है द्रव्यमान है, वी क्या है आपका वेलोसिटी है, R क्या है रेडियस है, R क्या है त्रिज्या है, तो ये इसका कितना हो जाएगा
मतलब अभी तो हमने संवेग का निकाला था ना, संवेग का कितना है एम एल टी माइनस वन, तो एम इंटू बी तो वही है ना, तो संवेग एम एल टी माइनस वन, और यहां पर आपने किसका टी का आर एल का क्या कर दिया, आर क्या है रेडियस है, दूरी क्या होती है लंबाई में, तो उसकी जगह पर कितना आ जाएगा एल। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो कितना हो जाएगा एल का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंदर हो जाएगा एम एल स्क्वायर, लिख दूं यहीं से एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, क्लियर। अब देखिए टॉर्क मतलब बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है बल गुणे दूरी, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण मतलब टॉर्क, टॉर्क को किससे दिखाते हैं टाउ से, टाउ ठीक है, टाउ बराबर क्या होता है बल गुणे दूरी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो बल का क्या होती है, बल की तो होती है एम एल टी माइनस टू, तो बल का तो आपको पता है एम एल टी माइनस टू और दूरी का एल, तो एल का आपस में जब दूरी का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो यहां से हटा दूं एल को हटा दिया मैंने और यहीं पर डायरेक्ट क्या लगा दिया, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा सबकी, तो देखिएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये आपको पता चल गई कि किसकी होती है भाई, बल की कितनी होती है एम एल टी माइनस टू और दूरी क्या क्या होती है एल, तो एल एल का आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एल स्क्वायर हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। नोट करो भाई इसे, नोट करिए, छापिए, छापने में मजा आ रहा होगा आप लोगों को, छापो छापो। चलिए तो अब अगला चलें, अगला नंबर कहां तक पहुंचे, शायद 17 तक हो गया था ना, अब 18वां नंबर लिखिएगा कार्य की बीमा, कार्य की कह लीजिए या आप ऊष्मा की कह लीजिए या आप ऊर्जा की कह लीजिए, इन सब की बीमा क्या होती है बराबर होती है, क्या होती है बराबर होती है, यानी वर्क कह लीजिए या एनर्जी कह लीजिए या हीट कह लीजिए, ये सब क्या है आप उसमें बराबर, कार्य बराबर होता है यानी क्या होता है बल गुणे विस्थापन, क्या होता है बल गुणे विस्थापन, बल की बीमा आपको पता है एम एल टी माइनस टू, क्यों, क्योंकि बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है वेग बटे समय, तो वहां से हर एक का आप निकाल सकते हैं, थोड़ा सा फार्मूला याद होगा तो आप सब निकाल लेंगे, तो कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन, यानी बल की बीमा क्या हो गई एम एल टी माइनस टू, क्लियर। अब यहां से विस्थापन क्या है, मतलब ये आपकी क्या है दूरी है, यानी दूरी का मात्रक कितना हो गया एल, दूरी का कितना हो गया एल डिस्प्लेसमेंट का, तो एल से एल क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यानी कि मैं इसको हटाकर यहां पर एल स्क्वायर लगा दे रहा हूं, तो इनकी सबकी याद रखिएगा, कार्य ऊर्जा और एनर्जी, कार्य ऊष्मा और जो है हीट की, वर्क एनर्जी एंड हीट की जो डायमेंशन होती है कितनी होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये महत्वपूर्ण है इसे याद रखिएगा, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं वर्क को डब्ल्यू से, क्लियर। 19 नंबर पे आप देखिएगा किसे कहते हैं पावर, पावर मतलब शक्ति, ठीक है, शक्ति की बीमा या सामर्थ्य की बीमा आप यदि निकालो, ठीक है, इसको मैं क्या कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं पावर। अब एक्चुअली में इसे अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा अभी इसे जो है पावर नहीं पढ़ते हैं, अब इसकी जगह पर क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो मॉडर्नाइजेशन हो गया इसका पावर का, तो क्या करते हैं इसे क्या पढ़ते हैं पॉर, क्या पढ़ते हैं पॉर, प्रोनाउंस क्या होता है इसका पॉर, ठीक है। पावर बराबर होता है, पावर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपने पावर को हमने रिप्रेजेंट किया पी से, ये होता है आपका कार्य वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क की बीमा अभी आपने निकाला क्या होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई टाइम का टी, तो यहां से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा टी की पावर माइनस थ्री हो जाएगा, कर दूं यहां डायरेक्ट, चलिए टी उठकर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा टी की पावर माइनस थ्री, और ये बड़ा ब्रैकेट पावर को पी से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक। 20वां नंबर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, क्या है
जड़त्व आगुण, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई से, कैपिटल आई से, ठीक है। आई बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर, मतलब मास गुणे दूरी का स्क्वायर। दूरी को मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मास गुणे दूरी का स्क्वायर, तो द्रव्यमान का कितना होता है एम, और दूरी का कितना होता है एल, तो एल का स्क्वायर, तो क्या हो गई एम एल स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। उतार लिया, उतारो भैया। अब आपका होता है 21वां नंबर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से। अच्छा, ये बल बराबर एफ बराबर होता है जी एम वन एम टू, एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, बीच आर स्क्वायर का मतलब क्या है? आर क्या है? दूरी है। एम वन एम टू क्या है? ये आपके द्रव्यमान है। तो यदि आप यहां से जी बराबर निकालोगे तो जी बराबर क्या हो जाएगा? बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे मास का स्क्वायर। भाई m1 m2 क्या है? मास ही तो है, मास का क्या होता है m, तो यानी कि ये m स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से यदि आप बीमा लिखोगे तो g की जो बीमा होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, बल की बीमा क्या होती है? m l t माइनस टू, ठीक। दूरी का बीमा कितनी होती है? l, तो ये कितनी हो जाएगी? l स्क्वायर, क्लियर, डिवाइडेड बाई मास का स्क्वायर, मतलब m का स्क्वायर, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? m ऊपर गया तो ये माइनस टू हो जाएगा, तो ये प्लस कॉमन है, तो कितना बचा? माइनस कॉमन, m माइनस कॉमन, l कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर है और ये l है, तो l क्यूब, m l क्यूब t माइनस टू। ये बीमा आपके कई बार जो है आपके आईआईटी के एग्जाम में, एंट्रेंस के एग्जाम में, बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं एंट्रेंस वाले, उनमें पूछी जाती है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, एफ बराबर आपको गुरुत्वाकर्षण बराबर क्या होता है? जी एम वन एम टू अपान आर स्क्वायर, जहां पर एफ क्या है? बल है। बेसिकली ये जो गुरुत्वाकर्षण लगता है ना, ये दो पिंडों के बीच लगता है, दो पिंडों जो जैसे धरती हो गए, ग्रहों के बीच में लगता है, ठीक है ना, जो बहुत जिनका मास बहुत ज्यादा होता है, तो उनके बीच में ये लगता है, ठीक है। जब हम इसमें गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जो जो टर्म है यहां पर एक बार बीमा का काम समाप्त कर लेते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। छापो लो इसे, नोट करिए। चलिए अब जो है अगला लिखिएगा 22 नंबर, आपने क्षेत्रफल यानी कि एरिया, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां से जब लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो ये लंबाई भी किसमें? दूरी है। विड्थ भी क्या है? चौड़ाई भी क्या है? दूरी है। यानी कि एल इंटू एल, तो कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर, और वो भी बड़े ब्रैकेट में। एरिया को ऐसे दिखाते हैं, ठीक। दूसरा होता है, तीसरा होता है आपका आयतन, क्या होता है? 23वां आयतन। अगला क्या है? आयतन मतलब कि वॉल्यूम। आयतन बराबर क्या होता है? इसे वी से प्रदर्शित करते हैं, ये क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब कि हाइट, लेंथ विड्थ इनटू हाइट, ठीक है। तो एल बी एच ये भी क्या है? लंबाई है, तो एल का क्या हो जाएगा? एल का क्यू। भाई ये भी लेंथ की क्या है? दूरी है। दूरी की मात्रक क्या होती है? लंबाई, सॉरी एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दूरी के लिए सबको एल से रिप्रेजेंट कर दिए, तीनों दूरी है, तो कितना हो जाएगा? एल क्यूब। और इसको जो है वी से दिखाते हैं, ठीक है। 24वां है आपका दाब, दाब को क्या कहते हैं? प्रेशर,
दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। पी बराबर क्या होता है? प्रेशर बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो बल की बीमा आपको पता है क्या होती है? बल बराबर क्या होता है? मान के चलो हमें नहीं पता, बल बराबर बस पता है कि क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर को, मतलब एल वेग किसे कहते हैं? विस्थापन परिवर्तन की दर को। विस्थापन क्या है? एक तरीके से दूरी है बटे समय। तो एल टी माइनस वन ये किसका हो गया? वेग का। फिर उसका परिवर्तन मतलब एल टी माइनस टू किसका हो गया? त्वरण का। तो बल का कितना हो गया? एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल, मतलब कि एल स्क्वायर। जब इसको ऊपर लेते जाओगे तो ये कितना है? एल स्क्वायर हो गया। जब ऊपर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, ये प्लस का होने तो घाते क्या होती हैं? गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा? एम एल माइनस वन आ जाएगा। कितना हो जाएगा? एम एल माइनस वन। पता चला क्यों आया? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो भैया ऐसे याद रखना है, ठीक है। 23, 24, 25 आपका आयतन, घनत्व देख लीजिए। घनत्व का मतलब डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी बराबर क्या होता है? इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। डेंसिटी बराबर होता है आपका, डेंसिटी बराबर आपका होता है द्रव्यमान बटे आयतन, एम अपान वी, द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन। तो द्रव्यमान की बीमा तो आपको पता है, एम अपान एल, आयतन का एल क्यूब अभी आपने निकाला, तो कितना हो जाएगा? एम एल माइनस थ्री। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से, ठीक है। तो ये घनत्व की बीमा हो गई, क्लियर हुआ। अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण अगला क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण 26वां है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इसको किससे दिखाते हैं? स्मॉल जी से। क्या होता है? स्मॉल जी से दिखाते हैं, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान आता है वो क्या आता है भाई? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। भाई बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहां पर उस त्वरण का प्रयोग ना कर करके इस त्वरण का प्रयोग होगा, तो एफ जी बराबर कितना हो जाएगा? एफ अपान एम, मतलब कि बल बटे बल बटे द्रव्यमान। तो इसकी भी बीमा आपकी कितनी आएगी? एल टी माइनस टू आएगी, क्योंकि त्वरण है, त्वरण लगा हुआ है, तो त्वरण की बीमा तो आपको पता है कि कितनी आएगी। बाई बल क्या होता है? एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई द्रव्यमान, तो एम, तो एम से एम क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो कितना बचा? एल टी माइनस टू, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि जो त्वरण होता है उसकी बीमा यही रहती है, ठीक है। उतार लीजिए दो चार और करके, फिर आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो उतार लो इसे भैया पहले। चलिए 27वां नंबर लिखिए, 27वां था ना, हाँ 27वां नंबर है आपका गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वीजी से, वीजी पोटेंशियल ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वीजी बराबर क्या होता है? कार्य बटे द्रव्यमान। क्या होता है? कार्य बटे द्रव्यमान। अब कार्य की बीमा क्या होती है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, अभी आपको बता चुका हूं। एम
एल स्क्वायर टी माइनस टू बटे द्रव्यमान का m, तो यहां से m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आ जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू, भाई m से m कट गया ना, काट दो, अब जो आया उसको लिख लो तो कितना हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू, खत्म बात, लिख लिया। अब आता है 28 प्रतिबल, क्या कहते हैं इसे प्रतिबल, प्रतिबल को क्या कहते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस बराबर क्या होता है इसको किससे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, प्रतिबल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और ये क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, स्ट्रेस बराबर भी क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो सिग्मा बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का मात्रक क्या बीमा क्या होती है एम एल टी माइनस टू, क्षेत्रफल का एल स्क्वायर, एम एल टी माइनस टू और क्षेत्रफल का एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का टू और ये प्लस का वन, ऊपर जाके घटेगा ना, तो यहां से कितना हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, भाई जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये आपकी बीमा आ गई, ठीक है प्रतिबल की। अब आपका होता है 29 नंबर विकृति, क्या कहते हैं विकृति, विकृति को क्या कहते हैं स्ट्रेन इंग्लिश में, ये जब आप जो है दूसरी वाली किताब पढ़ेंगे ना 11th में, जब ये पहली वाला किताब आपकी दो है, एक आपका फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट, जब सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें पहले चैप्टर में आएगा जब आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा, एक प्रतिबल होता है और एक विकृति होता है स्ट्रेन, तो स्ट्रेन बराबर क्या होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, और इसको जो है किससे दिखाते हैं इससे, ठीक है ई से, और ये क्या होता है चेंज इन लेंथ मतलब लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई यानी कि लंबाई में परिवर्तन हो रही है तो L अपान L क्या हो गया L अपान L, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब कि ये क्या हो गया डायमेंशनलेस, क्या है ये बीमा रहित है, कैसा है बीमा रहित, मतलब इसकी कोई बीमा नहीं होती है, ठीक है तो ध्यान रखिएगा विकृति की कोई बीमा नहीं होती है, ये आपको क्या करना है याद रखना है, ठीक है। अच्छा अब जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था गुणांक 30, प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक क्या कहते हैं इसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं आपका जी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी से या वाई से, यंग मॉडुलस ये सब होते हैं तो बेसिकली मतलब यही होता है, ये क्या होता है इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जी बराबर क्या होता है जी बराबर आपका होता है ये आपका होता है प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति, विकृति प्रतिबल को मतलब क्या कहते हैं प्रतिबल का मतलब होता है स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, ये क्या होता है स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, ठीक है स्ट्रेस की बीमा तो आपको पता है अभी निकाले हैं एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, क्लियर, और स्ट्रेन की कोई बीमा नहीं होती है तो इस वजह से ये यही हो गए। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, आपसे अगले लेक्चर में मिलते हैं, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय पर और इसी तरह की वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, और आप यदि आप समय से पढ़ते रहेंगे तो
तो आपको ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप मुझसे यदि आप इनमें फंस रहे हैं तो आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज यदि वीडियो डंप होते जाएंगे तो आप जो है मेरे से पूछ नहीं पाएंगे। बेसिकली ऐसा नहीं कि यदि बाद में आप फोन करेंगे तो जवाब मैं नहीं दूंगा, जवाब दूंगा, लेकिन उस समय क्या होता है कि जब आगे पहुंच जाते हैं तो आप बहुत पीछे रह जाते हो, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये हो जाता है कि यार बाद में पढ़ लेंगे, फिर धीरे धीरे करके वो चीजें रह जाती। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।